तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसारी खुर्द, जो कि पुणे के अंदर प्लेस आता है ये अवसारी नाम का। तो कहां पर आता है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, सारी चीज़ें देखेंगे, प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एडमिशन से लेके आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, एक एक चीज़ें इस कॉलेज के बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कॉलेज के कैंपस का एक पिक्चर आपके लिए इंक्लूड किया गया है। तो जैसे कि नाम तो मैंने आपको बता दिया और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, नाम में ही आपको पता चल जाता है। जहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, गवर्नमेंट है, नॉन ऑटोनॉमस और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज। ओके, 2009 का एस्टेब्लिशमेंट है, DTE कोड 6004, फ़ोन नंबर भी है ऑफिस का, कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और अवसारी तालुका अंबेगाँव, ठीक है, अंबेगाँव नाम का तालुका है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बराबर। तो पुणे सिटी से काफ़ी दूर है, कितना दूर है वो भी हम देखेंगे। तो पिन कोड देख सकते हो और ये वेबसाइट का एड्रेस है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको वेबसाइट का एड्रेस विजिट करना चाहिए किसी भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब पुणे का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये 70 किलोमीटर दूर है, मतलब पुणे सिटी से आप पकड़ सकते हो 70 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है। तो पुणे सिटी से काफ़ी दूर है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में लेकिन सिटी से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट बस स्टैंड मंचर नाम तो आपको पता होगा, मंचर बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है कॉलेज। BE डिग्री मिलती है और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का कॉलेज एफिलिएटेड है। हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। 344 बॉयज़ हॉस्टल का इंटेक है और फर्स्ट ईयर के लिए 85 सीट्स, गर्ल्स हॉस्टल में 230 इंटेक है और फर्स्ट ईयर के लिए 59। ओके, तो आगे बात करते हैं कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, सारे के सारे कोर्सेज में 60 इंटेक है यहाँ पर आप देख सकते हो। और सारे के सारे कोर्सेज 2009 में, सिविल 2010 में और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 2010 में शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप प्लेसमेंट के बारे में जानती थी। तो पिछले साल का डेटा उन्होंने अवेलेबल किया है अपनी वेबसाइट पे, आप देख सकते हो, ये PDF का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवसारी, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने नाम दिए है इस कॉलम में कौन से डिपार्टमेंट में था वो स्टूडेंट और कौन सी कंपनी में वो सिलेक्शन हुआ है, उसका रोल नंबर भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें उसमें सारे स्टूडेंट के नाम में, रोल नंबर में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस इंटरेस्ट है यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट में था। कंप्यूटर का प्लेसमेंट इसमें A2S कंपनी में हो गया, फिर ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, ENTC, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे Capgemini नाम की कंपनी है, उसने हर एक ब्रांच से स्टूडेंट लिया, ऑटोमोबाइल का भी लिया, कंप्यूटर का लिया, ENTC लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन लिया, Capgemini एक IT कंपनी है। तो वहाँ पर हर एक स्टूडेंट जो जाएगा वो फिर IT इंडस्ट्री में स्विच करना आपको आसान हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो IT कंपनी में इंस्ट्रूमेंटेशन का स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुआ है, तो ENTC तो कंप्यूटर का तो होती ही है, ठीक है, वैसे भी तो कंप्यूटर का देख सकते हो आप यहाँ पर। माइंडस्टिक्स नाम की कंपनी है, कुछ कंपनी के नाम आपने सुने नहीं होंगे, तो कुछ कंपनी के सुने होंगे, तो रडार एनालिटिक्स, और ये ऑफ कैंपस यहाँ पर लिखा है, मतलब ऑफ कैंपस मतलब कॉलेज के बाहर से, ऑन कैंपस नहीं हुआ है, ऑफ कैंपस में स्टूडेंट का सिलेक्शन। और ये जहाँ यहाँ पर ऑन कैंपस लिखा है वहाँ कॉलेज में कंपनी आई और वहाँ पर सिलेक्शन हो गया स्टूडेंट का, उसको बोलते हैं ऑन कैंपस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। टाटा मोटर्स का भी नाम है यहाँ पर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम थे तो और भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर टाटा मोटर्स में मैकेनिकल के काफ़ी सारे हुए हैं, उसमें बाद TCS का आप इतना स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है आप देख सकते हो। तो उसमें कंप्यूटर के भी है, ऑटोमोबाइल के भी है और ENTC के भी है और मैकेनिकल के, इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे कोर्सेज के स्टूडेंट हैं जो कि TCS में सिलेक्ट हुए हैं और ये ऑफ कैंपस हुए हैं, ठीक है। ऑफ कैंपस मतलब मान लीजिए कहीं और कॉलेज में आप जाते हो जहाँ पर प्लेसमेंट के ड्राइव हुआ है, जहाँ पर आपको अलाउ किया है आने के लिए, तो वहाँ से भी हो सकता है। या फिर पास आउट होने के बाद आप क्या करते हो, अपने तरीके से हर एक अप्लाई करते हो कंपनियों में, या फिर ऑनलाइन भी पोर्टल है Naukri.com वगैरह ये सारे, तो वहाँ से आपको कॉल आते हैं तो वहीं से भी प्लेसमेंट होता है, तो उसको ऑफ कैंपस बोला जाता है। तो विप्रो कंपनी में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है ऑफ कैंपस में, तो ज़्यादातर तो ऑफ कैंपस बोला है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में। ओके, तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इस कॉलेज का मुझे लगा है, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। इसके पहले एक कॉलेज लिया था हमने, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यवतमाल, उसका भी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम था और सिमिलर इसका भी फीस स्ट्रक्चर उतना ही है, आप देख सकते हो। ओपन कैटेगरी के लिए एक साल के लिए टोटल 24,800 फी है सिर्फ, और ये जो सर्कुलर है फीस स्ट्रक्चर का 12 सितंबर, मतलब लेटेस्ट वाला है, इसी साल का फीस स्ट्रक्चर ये, ठीक से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो EBC OBC के लिए तो और 17,000,
1300 होता है एससी एसटी के लिए, जिनको पूरा कंसेशन होता है ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी में, ठीक है। तो आई होप आपको फी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और डायरेक्ट सेकंड ईयर का फी स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कॉलेज के ऑथराइज जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और आपको तो पता है मैं मन से कुछ नहीं बताता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपको बता, अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं बताता हूँ उस वीडियो में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आप राउंड वन का पिछले साल का कट ऑफ, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए आप इस कॉलेज को अप्लाई करें ना करें, आपका हो जाएगा इसमें या नहीं हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट होता है यार, फीस मतलब देखिए ना आप 24,000 फी, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो भी होते हैं टॉप के पुणे में वगैरह मुंबई में, उसका 1,00,000 के ऊपर फी, मतलब उसका 1,00,000 का फी और उसी फी में आपका पूरा 4 साल का हो रहा है, मतलब फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिनके पास कमी और स्कोर भी अच्छा है, वो गवर्नमेंट कॉलेज को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, आगे करियर भी उनका अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो कहीं से भी आप वहाँ पे, अगर आपको जॉब करना है तो प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हर एक कोर्स का यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो बच्चे समझते यार गवर्नमेंट कॉलेज पहले प्रेफरेंस में मिल जाए, और यहाँ के आसपास पे जितने भी लोग रहते हैं वो चाहते होंगे एटलीस्ट पुणे के, तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो यार पहला प्रेफरेंस रहता है। तो मैं आपको कंप्यूटर का समझा देता हूँ। तो देखिए 94% ओपन के लिए पिछले साल लगा था, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 76, वीजे 91, एनटी1, 88, एनटी2, 92, 93, 90, 93, ओबीसी, ठीक है। ये होम यूनिवर्सिटी के लिए हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए और भी ज़्यादा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, वीडियो पॉज करके आप देख लेना अच्छे से कट ऑफ। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, बराबर, आपका स्कोर अच्छा है इसके आसपास है और आपको गवर्नमेंट चाहिए, या फिर आपका फीस ज़्यादा भरने का मतलब कैपेसिटी नहीं, आपको कम फीस में कॉलेज चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। और इसके बाद यवतमाल का था, वो तो अमरावती रीजन में आता है, लेकिन पुणे के आसपास का चाहिए तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो 95 और 96% स्टेट लेवल का कट ऑफ है ईडब्ल्यू एस और टीएफडब्ल्यू एस का। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता हो जेईई का कट ऑफ अवेलेबल नहीं, मतलब जेईई मेंस के एग्जाम से यहाँ पर एडमिशन नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ एमएचटी सीईटी के स्कोर पे होते हैं। तो आगे बात करते हैं ईएनटीसी, ईएनटीसी का भी कट ऑफ वीडियो पॉज करके आप देख लेना, फिर से नंबर्स बताने में कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट आपको पता चल गया कैसे कट ऑफ देखने हैं, ठीक है। तो कट ऑफ का जो पीडीएफ होता है वहीं से मैंने ये सारा डेटा लेता हूँ हमेशा, ठीक है, और मैं आपको इसी तरीके से अरेंज करता हूँ डेटा, ताकि आपको समझने में आसानी लगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम इसको प्रमोट करता है इस वीडियो को खुद, ठीक है, और आप खुद से भी शेयर कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंटेशन का वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लेना। ऑटोमोबाइल का भी आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, अच्छा खासा कट ऑफ है 51%, जिनको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है ज़रूर चेकआउट कर लें। और यहाँ पे एक बात मुझे और नोटिस की है मैंने, कि यहाँ पे मैकेनिकल का भी कट ऑफ काफ़ी हाई है, ठीक है, 84%, मतलब जहाँ पर और कॉलेजेस में मैकेनिकल की सीट्स मतलब फुल नहीं हो रहे हैं, खाली हो रह रहे हैं सीट्स, वहाँ पर इसका कट ऑफ 84%। तो यहाँ पर मैकेनिकल की भी काफ़ी डिमांड है इस कॉलेज में, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, अगर आपको रीज़न पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर, या फिर ऐसा कोई वीडियो देख रहा है ना इस कॉलेज के बारे में, कुछ खास बात जानता है, पॉजिटिव बात, जो ऑथराइज बात हो, जो आपको पता है, या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है, या फिर पास आउट स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना यार, जो भी न्यूली एडमिशन बच्चे लेते हैं उनको हेल्प होता है, अगर आपके आपको कुछ बताना है इस कॉलेज के बारे में, बराबर, तो ज़रूर कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, ओके। तो आई होप वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं जितना, जिससे कि आपको हेल्प हो, एडमिशन ले ना ले, आपका कट ऑफ इसको मैच कर रहा है या नहीं, आपके स्कोर के हिसाब से आपको मिलेगा या नहीं, आपको अंदाज़ा ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करते हो आप, डोंट वरी, और रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।